सोलन में लॉकडाउन के चलते व्यापार पूरी तरह से पटरी से उतर चुका था। आय के सभी स्रोत बंद हो गए थे, जिसके चलते सोलन के व्यापारी मानसिक परेशानी से जूझ रहा था। लेकिन अब अनलॉक होने पर आहिस्ता आहिस्ता व्यवसाय पटरी पर आने लगा है। ऐसे में सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने व्यापारियों को ढांढस बंधाने के लिए लक्कड़ बाजार का दौरा किया। इस मौके पर लक्कड़ बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज वर्मा, व्यापार मंडल के महामंत्री मनोज गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। लक्कड़ बाजार के व्यापारियों से मिले और उनका कुशल क्षेम जाना। सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता और लक्कड़ बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज वर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के चलते सोलन का व्यवसाय बेहद परेशान था। अब बाजार खुल चुके हैं, लेकिन अभी भी व्यवसाय पटरी पर नहीं लौटा है। केवल 25% तक व्यवसाय सीमित है, जिसके चलते व्यवसाय की परेशानी खत्म नहीं हुई है। इसलिए सोलन व्यापार मंडल ने लक्कड़ बाजार का दौरा किया और व्यापारियों को पेश आ रही दिक्कत और परेशानियों के बारे में जाना, ताकि उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ व्यापारियों ने उनके समक्ष कुछ मांगे भी रखी हैं, जिन्हें संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिलकर पूरा किया जाएगा। आज लॉकडाउन के बाद आज हम व्यापार मंडल के पदाधिकारी, मैं और मेरे महासचिव मनोज जी, और साथ में हमारे जो लक्कड़ बाजार एसोसिएशन के प्रधान हैं और हमारे जो व्यापारी लक्कड़ बाजार के थे, आज सब हमने 8-10 लोगों ने मिलकर लक्कड़ बाजार के एक एक व्यापारी के पास जाकर ये जाना कि लॉकडाउन कैसा रहा, परिवार में क्या रहा और अब बिजनेस कैसा है। ज़्यादातर व्यापारियों का कहना ये है कि जो बिजनेस है अभी मैक्सिमम का ये कहना है कि 25-30% तक हमारा बिजनेस आया, और कुछ व्यापारियों ने अपनी डिमांड छोटी मोटी बताई है जो हमने प्रधान जी को बता दी है, जो लक्कड़ बाजार के प्रधान हैं, और उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। कहीं पर थोड़ा बहुत सड़क का काम है, कहीं पर थोड़ा पानी गिर रहा है, कुछ इस तरह के छोटे छोटे काम व्यापारियों ने बताए हैं। और उसके साथ साथ ही व्यापारी वर्ग का कहना ये भी है कि जैसे अनलॉक हो गया है तो प्रशासन क्या एक ड्यूटी बनती है कि वो हमारे व्यापारियों का भी थोड़ा ध्यान रखे, और बाजार में जो है जो बिना मास्क के चलने वाले लोग हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाए, सख्ती करी जाए। इसके लिए जल्द ही हम प्रशासन से भी बात करेंगे, और हम प्रशासन से ये मांग भी करते हैं कि जहां व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर और आपको रोजमर्रा का सामान उपलब्ध लॉकडाउन में करवाता रहा, प्रशासन का साथ देता रहा, तो अब थोड़ा सा प्रशासन भी ऐसा करे कि जो हमारे बाजार के काम है वो पटरी पे आ जाएं, उसकी तरफ ध्यान देते हुए कुछ ऐसा करे कि जो ग्राहक है उसका विश्वास बने कि वो बाजारों में आने लगे अपने सामान को खरीदने के लिए, घूमने के लिए नहीं। तो प्रशासन कुछ पुलिस को लगाए ताकि जो बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं उनके ऊपर नकेल कसे। और उसके साथ साथ ही मैं सुनने वाले सभी व्यापारी भाइयों को, और हमने आज यहाँ लक्कड़ बाजार में भी व्यापारी भाइयों से बात की है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घूम रहा हो, बाजार में आ रहा हो, तो हमारा दुकानदार भी उसको अपना कर्तव्य समझते हुए टोके कि नहीं भाई साहब, आप गलत कर रहे हैं, आप मास्क लगाएं, मुंह को ढक के रखें, और तभी सब मिलकर ही अब ये जो हमारा कोरोना था इससे हमें बाहर निकलना है। अनलॉकडाउन हो चुका है, इसलिए ये अच्छा रहेगा कि अब हमें सावधानी भी रखनी है और अपने कारोबारों को जो हमें पटरी पर भी लाना है। धन्यवाद। आज व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता जी और महासचिव मनोज गुप्ता जी जो है लक्कड़ बाजार में, इन्होंने जो आज दौरा किया लक्कड़ बाजार में, सभी व्यापारियों से लगभग जो है ये मिले हैं, और व्यापारियों की जो जो समस्याएं थी लॉकडाउन के दौरान, व्यापारियों को क्या कोई समस्या आई, और भी कई तरह की जो है समस्या व्यापारियों ने अपनी छोटी छोटी जो है वो हमारे पास रखी। कईयों ने बताया कि कारोबार जो है वो बहुत कम है, और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है गाड़ी जो है वो पटरी पे आनी अब शुरू हो जाएगी। तो मैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता जी और महासचिव मनोज गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज अपना कीमती समय जो है व्यापारियों के लिए दिया है। मैं बहुत आभार व्यक्त